Laila Majnu is an upcoming Indian Hindi language romantic film written and directed by Sajid Ali. Based on the epic love story of Laila and Majnu, the film is co-produced by Ekta Kapoor, Shobha Kapoor and Imtiaz Ali. The lead pair, Tripti Dimri and Avinash Tiwary, spoke about the film and their roles in the modern-day romantic saga, which releases on the 7th of September 2018. It was very good. We didn't expect such a good response because the audience will accept us so quickly. Because people normally take a lot of time to accept newcomers. Especially जब वो दोनों इंडस्ट्री से भी ना हो तो जिस तरीके से ऑडियंस हमें एक्सेप्ट कर रही है बहुत खुशी होती है कमेंट्स पढ़ के और लोगों का प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है सारे लोग जितना प्यार दे रहे हैं सच्चाई है कि उसकी उम्मीद नहीं थी हमें हमें बस ये था कि हमने बड़ी मेहनत की है बहुत शिद्दत से काम किया है तो लोगों का थोड़ा अटेंशन मिल जाए हमें कि हमारी तरफ भी मुड़ के देख लें बाहर इतनी जोर से आवाज़ हो रही है कि लगता है कि हमारी आवाज़ पहुँचती नहीं लोगों तक लेकिन थैंकफुली वो हो रहा है हमारी आवाज़ भी पहुंच रही है दूसरों तक और उनका अटेंशन मिल रहा है और अब धीरे धीरे प्यार भी मिलना शुरू हुआ है आई होप बाय द टाइम द फिल्म रिलीज हो और लोगों को फिल्म पसंद आए तो शायद और प्यार मिलेगा कैरेक्टर थोड़ा बिंदास टाइप का है आज के ज़माने की लैला दिखाई है तो आज के ज़माने की लड़कियों की क्वालिटीज है उसके अंदर बहुत ही खुश मिजाज लड़की है उसको मज़ा आता है अपने पीछे लड़के घुमाना उसको पता है कि कश्मीर में बहुत फेमस है वो उसको पता है कि कश्मीर में सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं और उस बात की बहुत खुशी है उसको ख्यालों की दुनिया में रहती है फिल्मी है बहुत उसको लगता है कि कोई एक उसके दिमाग में अपनी एक फिल्म चल रही है जिसकी वो लैला है और बहुत ही किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती लाइफ में She believes in having fun पूरा time और इतनी बड़ी love story का हिस्सा है पर उसको शायद प्यार का मतलब भी नहीं पता उनमें से है जिसको सिर्फ ये जानना है कि कैसा होता है कि आपका कोई lover हो आप क्या बातें करते होंगे उनसे कैसी feeling होती होगी उस feeling के लिए ज़्यादा excited रहती हैं प्यार का मतलब नहीं जानती तो उनमें से एक है मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी जहाँ तक कैस का सवाल है मजनू एक तमगा है जो कैस को दिया गया मजनू प्यार में पागलपन को कहते हैं कैस एक लड़का है जो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है बहुत ही पॉजिटिव है आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट विल कम आउट वेरी स्ट्रांगली इन द फिल्म द पॉजिटिविटी ऑफ दैट गाय रईस बाप का बेटा है हमारा जो कैस है वो गरीब नहीं है जैसे आज तक जो कुछ वर्जन्स और अडेप्टेशंस मैंने पढ़े हैं देखे तो नहीं है लेकिन जो पढ़े उसमें हमेशा कैस गरीब घर से रहा है इसमें ये रईस है इसके खुद के कुछ एम्बिशंस ड्रीम्स सपने नहीं है उस तरीके से और एक तलाश है इज सीकिंग फॉर समथिंग और कुछ हद तक वो पूरा हो जाता है जब उनकी मुलाकात लैला से होती है उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं फिल्म के जो एक लव स्टोरीज में होते हैं वो होती है उसके बाद से एक नया रूप निकल कर आता है उसके अंदर से जो है मजनू का जो आपको फिल्म में आकर देखने मिलेगा